Hi friends, Assalamu Alaikum. I am Asghar Ali and you are watching Technical Bajwa. New unboxing के साथ आ गए हैं. यहाँ पर न्यू लॉन्च हो गया है फोन ओप्पो का, ओप्पो F17. तो ये फोन 40,000 की प्राइस में काफी ओवर प्राइस लॉन्च कर दिया गया है. अब हमने देखना है ये वाकई ओवर प्राइस है या नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको बताएंगे ये फोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं. तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा. अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी. न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट. बॉक्स हमारे पास आ गया है ओप्पो F17 का. सामने फोटो बनी हुई है काफी अट्रैक्टिव सी. 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज है. यहाँ पर प्राइस हमें 40,000 रुपये मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है, लेकिन आपको पता चल जाएगा आगे चल के कि कैसा ये फ़ोन. बैक साइड पर हाईलाइट मेंशन की गई, अल्ट्रा स्लीक लेदर डिज़ाइन दिया गया है, 30W फास्ट चार्जिंग दी गई, ऑलेड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट अनलॉक, अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस. तो इस फोन में हमें 3 कलर्स का ऑप्शन मिलता है. हमारे पास यहाँ पर डायनामिक ऑरेंज कलर है. जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं. तो जैसे हमने बॉक्स को ओपन किया, सामने हमारा फ़ोन है. फ़ोन की बाद में डिटेल से हम बात करते हैं. पर छोटे से फोल्डर में आपको सिम डाटा टूल का ऑप्शन मिलता है और बैक कवर में मिल जाता है सिलिकॉन केस. यहाँ पर यूज़र मैनुअल्स भी हैं जो कि काफ़ी लोग नहीं पढ़ते. इस फ़ोन में चार्जर हमें 30W का मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है. टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट हमें मिलती है. हेडफोन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. हम बॉक्स को जल्दी समेट कर फ़ोन की तरफ आते हैं. जैसे हमने फ़ोन को अनरैप किया, ये जो कलर है दोस्तों, क्या बात है. तो ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछें तो ये फ़ोन दिखने में ऐसे नहीं लगता कि 40,000 रुपये का, ये लगता है कोई 70-80,000 रुपये का फ्लैगशिप फ़ोन है, क्योंकि डिज़ाइनिंग ऐसी गई है दोस्तों. बैक साइड पर ये लेदर फील डिज़ाइन दिया गया है और असल में ये प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है. शाइनिंग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, मेट टाइप सा डिज़ाइन मिलेगा, लेकिन लेदर फील बॉडी मिलती है, तो बेहतरीन है दोस्तों. डिज़ाइन के मामले में मुझे तो काफ़ी पसंद आया है. अट्रैक्टिव डिज़ाइन दिया गया है और बैक साइड पर यहाँ पर 4 कैमराज का ऑप्शन है. 16MP का मेन कैमरा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 2.2 का अपर्चर है, तो 2.4 का अपर्चर कर देते, तस्वीर और ज़्यादा काली आ जाती. कैमरा के मामले में काफ़ी डिसअपॉइंट किया है. सेकंड कैमरा 8MP का, थर्ड कैमरा 2MP का एंड फोर्थ कैमरा 2MP का. कम से कम 48MP का कैमरा कोई अच्छा लगाना चाहिए था. 40,000 की प्राइस बहुत ज़्यादा है. LED फ्लैश लाइट है. यहाँ पर 4015mAh की आपको बैटरी मिलती है. ओप्पो की ब्रांडिंग है बैक साइड पर. तो आप फ्रेम देख सकते हैं दोस्तों, फ्रेम का स्टाइल भी यहाँ पर चेंज किया है ओप्पो ने, फ्लैट फ्रेम बनाया गया है. इस फोन की थिकनेस भी देख सकते हैं, काफ़ी कम मिलती है, 7.45mm की थिकनेस मिलती है. राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन है और ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक दिया गया है. लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे आपको 3 स्लॉट वाली मिल जाती है. लेफ्ट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स आपको मिल जाते हैं अप एंड डाउन. डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक है, प्राइमरी माइक है, चार्जिंग पोर्ट टाइप सी वाली और स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है. सामने की तरफ जो डिस्प्ले है दोस्तों, वो आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है. जी हाँ दोस्तों, पुरानी टेक्नोलॉजी है, नॉच वाली चेंज करते तो थोड़ा बेहतर हो जाता. इस नॉच में आपको कैमरा 16MP की सेल्फी मिलती है. सेल्फी को भी चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा बढ़ा देते सेल्फी को तो बेहतर था 40,000 की प्राइस में. डिस्प्ले दोस्तों आपको 6.44 इंचेस का ऑलेड डिस्प्ले दिया गया है. तो ऑफिशियल वेबसाइट पर एमोलेड डिस्प्ले मेंशन किया गया था. ऑलेड एमोलेड एक ही बात है. तो यहाँ पर फुल HD प्लस की आपको रेजोल्यूशन मिल जाती है. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन. कलर वाइज आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले बैटरी को भी बचाता है, इस बात की तो तारीफ करना बनती है. लेकिन अगर नॉच डिस्प्ले को हटाकर पंच होल की तरफ जाते तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाती, क्योंकि कॉम्पिटिशन पंच होल का आजकल ज़्यादा है. ड्यूअल पंच होल भी आ चुका है 40,000 की प्राइस में, तो मैं समझता हूँ चेंज करने की ज़रूरत थी. स्क्रीन में आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको काफ़ी फास्ट मिलता है. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है दोस्तों. और फेस आईडी का ऑप्शन, ये भी काफ़ी क्विक काम करता है,
काफी ज्यादा क्विक है। इस फोन में सॉफ्टवेयर आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कलर ओएस 7.2 वर्जन ओप्पो का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डार्क मोड, आई कंफर्ट ऑप्शन, क्लीन स्टोरेज, ओप्पो शेयर, बहुत से ऑप्शन ऐड कर दिए गए। प्रोसेसर जो दिया गया है स्नैपड्रैगन 662 वाला दिया गया है, 11 नैनोमीटर वाला। प्रोसेसर के हवाले से काफी डिसअपॉइंट हुआ दोस्तों, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है इतनी प्राइस में नहीं आना चाहिए था। ये प्रोसेसर कम से कम 20,000 से 25,000 के फोन में आता है, तो मेरे ख्याल में नहीं कि 40,000 की प्राइस में ये प्रोसेसर देना चाहिए, क्योंकि इतनी हाई गेमिंग भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। 40,000 की प्राइस में टोटली फेल प्रोसेसर है दोस्तों। तो अलग से एक वीडियो पबजी टेस्ट की भी हम डालेंगे, वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये फोन आपको पबजी के हिसाब से इतना बेहतर नहीं मिलता। तो डायरेक्टली हम कैमरा की तरफ आते हैं। यहाँ पर दूसरे फोन्स की तरह काफी ऑप्शन है, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड और बहुत से ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको अल्ट्रा HD का ऑप्शन मिलेगा, स्लोमो का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो एक्सपर्ट, गूगल लेंस, बहुत से ऑप्शंस हैं। वीडियो हम यहाँ पर 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइव फोटो का सैंपल लेते हैं और आपको काफ़ी सैंपल्स भी दिखाते हैं। तो लाइव फोटो के मामले में नॉर्मल रिजल्ट है दोस्तों। मैंने इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से कुछ सैंपल्स लिए हैं, तो मुझे जो है वो कैमरा के मामले में काफ़ी डिसअपॉइंट नजर आया है। कलर सेचुरेशन ठीक ही है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल के हिसाब से अच्छा काम करता है कैमरा, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा कैमरा, वैसा कैमरा नहीं है। तो कैमरा के हिसाब से, फ्रंट एंड बैक के हिसाब से डिसअपॉइंट वाला मामला है। तो ज़्यादा वाइटनेस भी मुझे नजर आई, इतनी ज़्यादा डिटेल भी नज़र नहीं आई कैमरा में। तो आप भी मुझे बताइएगा इस प्राइस में इस फोन का फ्रंट एंड बैक कैमरा आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फाइनल बात एक ही करना चाहूंगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कि 40,000 की प्राइस में इस फोन का डिजाइन जो है काफी अट्रैक्टिव है, काफी मजेदार डिजाइन है दोस्तों, तारीफ करने के काबिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी सिर्फ डिजाइन के लिए फोन लेना है तो 40,000 लगाने की क्या जरूरत है। पर दो चीजों की बहुत ज्यादा कमी लगी, एक तो कैमराज की, दूसरे नंबर पर प्रोसेसर अगर चेंज कर देते तब भी हम मान लेते चलो यार कुछ मैनेज कर लें, लेकिन अगर ये फोन 30 से 35,000 की रेंज में आता है फिर भी हम ओप्पो समझ के बाय कर लेंगे, लेकिन 40,000 की प्राइस में डिस्काउंट करके 38 में मिल जाएगा और क्या, तो इसमें मैं समझता हूँ टोटली ओवर प्राइज्ड है। आपका क्या ख्याल है इस फोन में, आपको क्या पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।